हाय दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस तीसरी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट और ईमेल के बारे में। मैं अगर ओवरव्यू दूँ थोड़ा तो आज की क्लास में बताऊंगा आपको इंटरनेट, ईमेल और मोबाइल के ज़रिए आप किन तरीक़ों से इंटरनेट को चला सकते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो अगर इंटरनेट की बात करूँ तो मैं बताऊँगा व्हाट इज़ द इंटरनेट, हाउ टू कनेक्ट और लाइन और वैन क्या होती है, इंटरनेट ब्राउज़र एंड व्हाट इज़ द यूआरएल, और ऐसे ईमेल के बारे में, ईमेल और जीमेल में फ़र्क क्या होता है, ईमेल सर्वर क्या होता है और जीमेल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। तो बने रहिए मेरे साथ। चालू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले मैं बहुत कम टाइम में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कुछ मिनट का मेरे को अटेंशन दें, ध्यान से देखें। अब अगर बात करें कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज़ द इंटरनेट, तो इंटरनेट आप लोगों के सामने अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे करूँगा कि आपके पास डिवाइस होती है जो कि आप देख सकते हो। सॉरी, मैं पेन ले रहा था। जा तो ये आपके पास डिवाइसेस होती है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो। आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, इनपुट देते हो, मॉडम में जाता है, आपके पास राउटर वगैरह होता होगा और मॉडम में जाने के बाद उस वो एक और मॉडम से कनेक्टेड होता है, डीएसएल मॉडम, और डीएसएल मॉडम से डायरेक्ट वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेता है सर्वर से, और सर्वर से लेने के बाद में होते हुए फिर मॉडम को देते हो, फिर आपको अपने डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है इंटरनेट वर्क करने का, ऐसा इंटरनेट वर्क करता है, जो कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल यहीं पर दिख रखा है, आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। तो इंटरनेट को अगर आप नेट पर सर्च करोगे क्या वे हैं चलाने के, तो आपको 8-10 दिखाएगा, बट 99% हम जो यूज़ करते हैं ऑफिस में या आम तौर की जीवनमर्रा की ज़िंदगी में, तो लैन और वैन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा दे रखा है, आप ज़रूर इसको देखिए, और ये PPT मैं लिंक में डाल दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। लैन क्या होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर की जो इंटरनेट प्रणाली होती है वो केबल के ज़रिए चलती है। केबल के ज़रिए चलने का मतलब ये है कि ऐसी एक केबल होती है, ठीक है, जो कि एक जैसे आपकी केबल है, ये एक ऐसे बहुत सारी 1, 2, 3 या तो 4 ही पोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी होती हैं, 10-15 जितने कनेक्शन होते हैं केबल ऐसे होती है, और वो हर कंप्यूटर से ऐसे जुड़ी होती है। यानी एक आप केबल आपकी कंप्यूटर में ऐसी लगेगी और एक जाके जहाँ से आपको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है वहाँ पे ऐसी लगी होती है। तो इस जो प्रणाली को बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, और अगर शॉर्ट में बोले तो इसको लैन बोलते हैं। तो आप लैन के ज़रिए भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं और ये ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको बहुत सेफ़ माना जाता है, लैन के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करना सेफ़ माना जाता है, इसमें हैक्स वगैरह कम होते हैं लैन के ज़रिए अगर आप यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप बात करें वायरलेस, इसको वाईफाई लोग बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई केबल नहीं होता है, बट सेम होता है मॉडम आपका, यही होता है, चीज़ें वही होती है, काम वैसे होता है, बट इसमें आपका केबल नहीं होता है, आपका डायरेक्ट जो कंप्यूटर पीसी जुड़ता है वो आपका कनेक्शन के जरिए जुड़ता है। तो वाईफाई सभी लोगों ने यूज़ किया होगा, तो मैं वाईफाई की ही बात कर रहा हूँ, और बाकी प्रोसेस वही होता है। और ऐसा नहीं कि आप वाईफाई के ज़रिए खाली इंटरनेट कनेक्ट करके चला सकते हैं, वाईफाई के ज़रिए आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के ज़रिए गेम कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के ज़रिए आप और भी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाईफाई वही वायरलेस इसको बोलते हैं, तो VLAN भी बोल सकते हैं या सीधा सा आप वाईफाई बोल सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने कनेक्ट करना तो सीख लिया, अब आगे क्या स्टेप है। तो आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, फिर आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र वो होता है कि जिस पर आप अपने इंटरनेट को चलाते हो। तो अगर मैं शॉर्ट में एक इसके ब्रीफ के बारे में बात करूँ, तो ए ब्राउज़र इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब व्हेन ए यूज़र रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम मे वेब सर्वर देन द डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। कहने का मतलब ये है कि ब्राउज़र पर आप ओपन करते हो और फिर उसमें एक वेब पेज डालते हो, वेब एड्रेस डालते हो, URL डालते हो जिसको कहते हैं,
और फिर उस URL पे वो उस URL को अपने सर्वर में सर्च करके आपके सामने रिजल्ट दिखा देता है। तो कई सारे लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ये गूगल क्रोम का है, बहुत सही आप लोग समझ रहे हैं, ये मोज़िला फायरफॉक्स का है, ये सफारी का है जो मैकबुक एप्पल के लैपटॉप में होता है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि आपके पास नॉर्मल विंडो PC है तो आपको पता होगा। तो ये ब्राउज़र्स होते हैं। अब बात करते हैं URL, क्योंकि यहाँ पे URL का आया, मैं आपको देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले इंटरनेट क्या था, कनेक्ट कैसे होता है, फिर कनेक्ट करने के बाद ब्राउज़र होना चाहिए, फिर बात करते हैं कि ब्राउज़र में फिर आप करोगे क्या, फिर ब्राउज़र में आप URL। तो URL एक ये होता है, इसको आप कहते हैं वेब एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, वेब लिंक बोल सकते हैं, पेज का लिंक बोल सकते हैं, और इसको शॉर्ट भाषा में प्रोफेशनली URL कॉल करते हैं, URL। तो URL का भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे जो HTTP होता है इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, और जो उसका मेन नाम होता है आपका www. के बाद जो मेन नेम होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और उस वेबसाइट में इंटर करने के बाद अगर आप उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो सेक्शन बाय सेक्शन 5-6 पेज होते हैं, तो उन पेजों को बदलोगे तो उस हिसाब से पाथ बनता चला जाएगा, पाथ होता है, और फिर आपका जो ये लास्ट में होता है इसको वेब नेम बोलते हैं। तो कुल मिला के ये URL ही होता है, इसका कुछ मैंने जो सेग्रीगेशन होता थोड़ा सा बता दिया, बस आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी इतना प्रैक्टिकल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा कि पूछा जाएगा, मेरा ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल पे रहता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स। चलते आगे, अब ये सारा करने के बाद अब आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, यानी कहने के बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन के बाद ब्राउज़र हो, और ब्राउज़र होने के बाद में आपके पास URL हो, जाना कहाँ है, ढूंढना किसको है, करना क्या है, उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, चलते हैं आगे। अब जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ईमेल क्या होता है, ईमेल वही होता है कि जैसे हम आज के 25 साल 20 साल पहले हम खत लिखते थे, और खत लिखने के बाद में जैसे मैं आप गाँव में हैं और कहीं दिल्ली या कहीं किसी को भेजना चाहते हैं दूर, तो आप खत लिख के पोस्ट करते थे, फिर पोस्टमैन वहाँ पर खत जाता था, फिर वहाँ पर पोस्टमैन आके उनको खत देता था, वो खत पढ़ते थे, और खत का पढ़ने के बाद में जब उनको जवाब देना था तो वो भी उधर से खत लिख करके और फिर पोस्ट कर देते थे, तो वो उस प्रोसेस में आराम से महीनों लग जाते थे। तो उसी जो खत वाली जो प्रोसेस है उसी को इलेक्ट्रिकल कर दिया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसमें यही होता है कि आप अपना कोई भी ईमेल टाइप करो, यानी चिट्ठी लिखो, और जिस पते पे भेजना है उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस लिखो और भेज दो उसकी रिटर्न में जो भी आपको लिखना है। तो यही है ईमेल, एक जो वो हम लोग खत भेजते थे उसका ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। मेल का आप जब हिंदी वर्जन देखो सर्च करोगे तो वही डाक निकलेगा। तो चलते हैं आगे। अब कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जीमेल ईमेल क्या कर दो, जीमेल कर दो, ईमेल कर दो, तो जीमेल ईमेल दोनों चीज़ें अलग हैं भैया। जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि गूगल के थ्रू है, और ईमेल एक प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि ईमेल क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति को चिट्ठी भेजना, उस प्रोसेस को पूरा ईमेल कहलाता है, और जीमेल जिस पर हम जिसका यूज़ करके हम करते हैं। तो अभी आज के डेट में बहुत सारे पॉपुलर हैं, जैसे जीमेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फिर आउटलुक होता है, आउटलुक ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है आउटलुक, बहुत सारे अच्छे फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, इसलिए आउटलुक यूज़ होता है, और याहू मेल होता है, ऐसे रेडिफ मेल होता है, मतलब बहुत तरह के मेल होते हैं, बट ये दो तीन थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको बताना समझा। अब बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में करना चाहो कनेक्ट, तो किन तरीक़ों से कर सकते हो। जो पहला तरीका होता है कई लोग जानते भी हैं, वो होता है वाईफाई, अपने में हॉटस्पॉट आपने ऑन किया, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, बट मैं फिर भी एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन किया और फिर वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, जैसे मोबाइल पे आप करते हो वहाँ पे देखो, फिर वहाँ पे पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाता है। फिर होता है USB के थ्रू, USB लगाओ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और फिर एक पिन अपनी मोबाइल में लगाओ, और उसमें USB टेथरिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ से हो जाता है, और ब्लूटूथ के थ्रू भी हो जाता है। लेकिन ब्लूटूथ वाले केस में कई सारे में जब आप विंडो डलाते हैं ना, तो ब्लूटूथ का ड्राइवर पढ़ के नहीं आता है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये दोनों वे बताऊँगा कि कैसे होता है, और मैं जीमेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, ईमेल कैसे भेजते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आप ऐसा ना हो कि हाँ जीमेल से बिल्कुल आप ऐसा रहे कि आप जानते ही नहीं कुछ इसके बारे में। तो चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वाईफाई से कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा बट मैं फिर भी शेयर करना चाहता हूँ। आपको अपने जो मोबाइल नेटवर्क में जो सेटिंग्स होती हैं वहाँ जाना है, या आपको जब आप
डाउन करोगे, ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट। आप यहाँ से भी कर सकते हो या मैं आपको सेटिंग्स ही बता देता हूँ, आप सेटिंग से भी कर सकते हो। आप सेटिंग अपनी खोलिए और सेटिंग में जाने के बाद में जहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शन है या नेटवर्क कनेक्शन है वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए आ रहा है पर्सनल हॉटस्पॉट्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको ऑन कर दिया। तो देख सकते हैं नीचे पर्सनल हॉटस्पॉट्स के ये डिटेल्स दिखा रहा है कि इसका नाम रियलमी 6 है और पासवर्ड ये है। तो मैं अब यहाँ पे इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि ये नेटवर्क में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रियलमी 6 है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और जो पासवर्ड है वो मैं डालता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया। अब मेरा ये इंटरनेट कनेक्टेड है वाईफाई से। कैसे पता लगेगा, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ये वाईफाई से कनेक्टेड है और अभी वाईफाई का नाम और इंटरनेट एक्सेस करके आ रहे हैं। ये तो रहा पहला तरीका। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ से देखो बंद करके दिखाता हूँ। मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे आप अब देखोगे ये अभी भी कुछ कनेक्टेड दिखा रहा है, बट जैसे आप ब्राउज करोगे तो आपको ये अब देखिए जैसे मैंने डिस्कनेक्ट किया यहाँ पे दिखा रहा है कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप दूसरे तरीके पे आते हैं जो कि मैंने बताया था यूएसबी वाला। आप एक यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगाइए और जैसे ही आप यूएसबी का दूसरा पोर्ट मोबाइल में लगाएंगे और फिर चलते हैं बैक, तो वहीं सेटिंग्स में जो अदर वायरलेस कनेक्शन की सेटिंग्स हैं वहीं पे एक ऑप्शन होता है यूएसबी टेदरिंग। उसी के नीचे देखिए एक ब्लूटूथ टेदरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ब्लूटूथ भी कनेक्ट करते हैं, बट मैं अभी यूएसबी का बता रहा हूँ। तो यूएसबी टेदरिंग पे आपको क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं करना है, बस यूएसबी टेदरिंग पे आपको ने क्लिक किया ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। आप देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है नेटवर्क 3 और इंटरनेट एक्सेस। तो ये दोनों तरीके से हो गया, वाईफाई से भी हो गया और केबल से क्या तो ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको लैन और वैन बता रहा था, जो मैं आपको लैन और वैन बता रहा था चेंज ऑप्टर सेटिंग चलते हैं। ये देखिए दोनों आपके लैन और वैन, आप देख सकते हो कि अगर आपका लैन से कनेक्टेड होगा तो आपका इस तरह का आइकन शो करेगा और अगर वैन से कनेक्टेड होगा तो जो वाईफाई वाला आइकन है उस तरह से शो करेगा। तो लैन और वैन आपको देखना है कि कहीं आपके सिस्टम में है भी या नहीं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैन और वैन आपके सिस्टम में है या नहीं। तो ये दोनों तरीके थे जिनसे आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते थे। आप चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल की तरफ। अब ये है मेरा ब्राउज़र, मैंने इस ब्राउज़र पर क्लिक किया और मैं सबसे पहले एक सर्च इंजन खोल लेता हूँ। सर्च इंजन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें क्या करता है कि हम अपने रिजल्ट को सर्च करते हैं। तो हम चलते हैं, जैसे मेरे को जॉब देखनी है नोएडा में, तो मैं जैसे HCL ही डाल देता हूँ, HCL नोएडा। तो मैंने HCL नोएडा की साइट खोल ली और आप चलते हैं वेबसाइट पर, जैसे ये आ गई आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट दिखा रहा है। और मतलब मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो इससे रिलेटेड देखिए और भी सारी चीज़ें दिखा रहा है। और इसमें जो आप सर्च कर रहे हैं ये दिखा रहा है कि इतने सारे रिजल्ट हैं इसके पास, इतने कम एक मिनट के अंदर इसके पास इतने सारे रिजल्ट हैं HCL से रिलेटेड। तो ये चलते हैं नीचे और अपनी वेबसाइट पर, जैसे मेरे को ये वेबसाइट विजिट करनी, मैंने क्लिक किया। तो हर एक वेबसाइट एक बुक की तरह होती है, आपको अच्छे से उसके हर एक सेक्शन को पढ़ना होता है। जैसे HCL के यहाँ पे देखो इंडस्ट्रीज़ के बारे में दे रहा है अपना, फिर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में दे रहा है, अबाउट अस के बारे में दे रहा है, इंस्टेंस के बारे में दे रहा है, करियर के बारे में जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी कि फ्रॉड जॉब ऑफर से कैसे बचें, तो मैंने आपको बता दिया था कि करियर में जाना है। फिर आपको देखना जैसे करंट ओपनिंग है तो यहाँ पे दिखा देगा कि अभी करंट में ओपनिंग क्या क्या और किस डिजिग्नेशन के लिए चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वेबसाइट लोग बनवाते हैं बट अपने अपने कन्वेंस के हिसाब से वो उसमें पेज डालते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट एक ही तरह होती है, बट उनका जो एक तरीका स्टैंडर्ड होता है वो एक ही होता है। जैसे मैंने HCL का भी खोला था, मैं भी HP का खोलता हूँ। अब मैंने HP खोल दिया और HP का चलते हैं देखते हैं। तो इनकी भी आप वेबसाइट देख सकते हो, बिल्कुल वही है, यानी कि उनके बारे में जो भी जैसा उनको ज़रूरत थी वैसा उन्होंने यहाँ पे हेड्स दे दिए आपको। बस थोड़ा सा उनको मतलब पढ़ के और गाइडेंस के हिसाब से चीज़ों को क्लिक करना और देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और हर वेबसाइट में कॉन्टेक्स्ट अस, अबाउट और होम ये सब ज़रूर होते हैं। कॉन्टेक्ट अस मतलब उनमें उनका एड्रेस और ईमेल नंबर वगैरह रहते हैं, होम का मतलब उनके जो मेन होम पेज होता है वो रहता है,
अबाउट अस के बारे में, उनके बारे में रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये था वेबसाइट से रिलेटेड। अब मैं चलता हूँ आपको जीमेल पे, और जीमेल पे आपको बताता हूँ। मैंने जीमेल खोला और जीमेल में एक एड्रेस होता है, तो उस पे आप जा सके अपना, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने अपना एक एड्रेस डाल दिया, अगर आप ऑलरेडी जीमेल पे अकाउंट बना रखे हैं तो @gmail लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेम होता है। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरी जो ईमेल आईडी है वो खुल गई। मैं अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ, तो ईमेल से पूछ रहा है कि आप ही हो, कोई और तो नहीं है। तो ये अच्छा फीचर है इसका, मैं इसको यस कर दिया अपने मोबाइल में, ठीक है। अब ये लॉगिन हो गया। तो ऐसा कुछ इंटरफेस होता है जीमेल का, जिसमें आपके जो जीमेल से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सारे। यहाँ पे आपकी जो मेल आती है, यानी आपकी जो चिट्ठियाँ आती हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो यहाँ पे होती है। क्लिक करके आप खोलो और पढ़ो और फिर बैक आ सकते हो। तो आप जब कोई भी चिट्ठी खोलते हो तो इससे रिलेटेड सारा कंट्रोल आप यहाँ रहता है। डिलीट करना, इन्फॉर्मेशन स्पैम में डालना है, अचीवमेंट डालना है, ये आगे चलकर मैं आपको जब जीमेल पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो सारे जितने भी सारे बताऊंगा। बट अभी ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सारे यहाँ से होते हैं, बैक कर लो। और जीमेल के जो मेन फीचर्स होते हैं, इनबॉक्स, शेयर, सेंड, यानी किसी को भेजा है तो कहाँ भेजा है, तो यहाँ पे सेंड में आप देख सकते हो। मतलब ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, जस्ट आपके मोबाइल में होता है मैसेज किसी को सेंड कर दिया तो यहाँ से देख सकते हो, तो ये होता है। अब बात करते हैं किसी को जैसे भेजना और जवाब देना। जैसे कि मैं किसी को मेल भेजना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस ही टाइप कर दिया, ठीक है। और मैंने लिखा यहाँ पे जैसे क्लास थ्री, ठीक है। और इस जो भी मुझको लिखना था वो मैंने सब कुछ इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद में अगर मुझको कुछ अटैचमेंट करना है, कुछ इसके अंदर अटैच करना है, फाइल लगानी, तो आप ये ऑप्शन होता है यहाँ से जा कर के अपनी फाइल को आप बहुत ही आसानी से अटैच कर सकते हो। जैसे मैं पिक्चर पे चला गया, सेव पिक्चर पे चला गया, यहाँ पे कोई पिक्चर दिखाएगा, डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पर जैसे यही है, मैंने अटैच कर दिया। जैसे ये अटैच होगा आपके साइज दिखा देगा, और जब तक ये अटैच हो रहा होगा तब तक ये आपको हाईलाइट नहीं होगा। जैसे ये अटैच हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा कि आपकी फाइल अटैच हो चुकी है। फिर आपने लिखा डियर सर मैम, जो भी जैसे लिखते हैं, और सेंड कर दिया। जीमेल से रिलेटेड मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक बनाई है, जो कि मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जरूर देखें। जैसे ही देखिए मैंने सेंड किया, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे कोई मेल आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को ही किया है। आप दूसरा एड्रेस डालोगे, जो एड्रेस डालोगे उस पर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मेल लेकर आ गया और मैंने इसको देखा, तो मैंने कुछ इसमें लिखा हुआ है और एक अटैचमेंट है। फिर यहीं से अगर मुझे कुछ जवाब देना है या इस ईमेल को आगे भेजना है किसी को, आगे भेजने के लिए आप फॉरवर्ड पर क्लिक करोगे और जिसको आगे भेजना है उसका एड्रेस डाल करके देन इसको ओके कर दोगे, ठीक है। अगर रिप्लाई करना है, यानी जिन्होंने आपको भेजा है उसी को जवाब देना है, तो आपको रिप्लाई करना है इस पर। यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ पर ऑप्शन सारे होते हैं, फॉरवर्ड, रिप्लाई, प्रिंट, तो प्रिंट भी ले सकते हैं आप। रिप्लाई कर दोगे तो जैसे मैंने लिख दिया थैंक्स, तो अभी ये मेरे को थैंक्स चला जाएगा। तो ये एक मतलब बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि ऐसे इस पे काम होता है। बाकी जब मैं सेपरेट एक जीमेल के बारे में बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोग बताएं प्लीज़ कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। और मेरे को भी कुछ अगर लगती है आप लोगों को कमी तो प्लीज़ करेक्ट कीजिए मुझे, मैं उस पर और अच्छे से काम करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब लोग। ओके, टेक केयर।